आज हम लोग नाइन्थ जनवरी के द हिंदू न्यूज पेपर काेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सो फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पांच स्टेट्स में जो इलेक्शन होने थे उनकी डेट अनाउंस कर दी है एंड दाइव स्टेट्स आर सो उत्तर प्रदेश मणिपुर गोवा पंजाब एंड उत्तराखंड एंड द

बिकॉज ये पांच स्टेट्स में होता है एंड उत्तर प्रदेश इन पुलेन दिलेक्स होता है उत्तराखंड पंजाब आपका गोवा एंड उत्तर प्रदेश एंड मणिपुर ऑल्सो तो देखा जाए सारे रीजन कवर करता है सो समिशियन से

वो अच्छा परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है पब्लिक से खुश है कि नहीं है तो ये पता लग जाता है ओके okay, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड यूपी में जो इलेक्शन है वो आपका सेवन 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 फेजेस में seven, seven में होंगे मतलब एक पार्ट्स डिवाइड किया गया यूपी को आपका जैसे कि आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट उत्तराखंड को जो टच करता है दिल्ली को टच करता है मेरठ वाला रीजन देन बुंदेलखंड रीजन देन आपका आपका पूर्वांचल अवध बहुत सारी चीजें ये सेवन फेजेस में डिवाइड किया गया यूपी के यूपी के डिस्ट्रिक्ट को जहां पर इलेक्शन किए जाएंगे देन मणिपुर गवर्नमेंट फॉर्म होती है एंड पांच स्टेट्स में कौन अच्छा परफॉर्म करता है मूविंग फॉर सो नेक्स्ट न्यूज इट्स फ्रॉम दी तमिलनाडु सो वॉट है कल हमें न्यूज पड़ी थी तमिलनाडु से रिलेटेड गवर्नमेंट में जो एम हैं वो साथ में बैठेंगे एंड डिस्कस करेंगे नीट बिल को लेकर एंड नीट बिल इज अबाउट नीट बिल इज अबाउट कि तमिलनाडु गवर्नमेंट चाहती है कि तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो नीट के थ्रू एंड नीट के थ्रू बच्चों का एडमिशन ना दिलाए उनका खुद का अलग से स्टेट एग्जाम हो या यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से एग्जाम करा सकती है वो आगे चल के डिस्कस होगा एंड उसके बहुत सारे रीजन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दिए थे वन ऑफ द मेन रीजन जो उन्होंने दिया था वो ये दिया था कि नीट का एग्जाम जो है वो बेसिकली

क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम हो गया एंड नॉर्थ नॉर्थ स्टूडेंट एंड रिच क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा बेनिफिशियरी बेनिफिट मिल गया बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करी उन्होंने बहुत सारी चीजें वन रीजन ये दिया था दूसरा रीजन उन्होंने ये दिया था कि जब हम स्टेट की बात करते हैं तो आर इंडिया इज अ फेडरल नेशन या अगर सही तरीके से कोट करें तो क्वाजी फेडरल ओके एंड हर स्टेट की अपनी अपनी पावर है सेंटर की अलग पावर है स्टेट की भी अपनी अपनी पावर है वेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन तो एजुकेशन स्टेट ठीक है स्टेट लिस्ट के अंदर आता है बट नीट के एग्जाम आने से फेडरलिज्म रीच हुआ नीट बिल इट्स अबाउट के तमिलनाडु की गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो तमिलनाडु के जो लोग हैं जो टैक्स देते हैं है ना उससे पैसा आता है थ्रू अ टैक्स मेजोरिटी ऑफ द मनी और वो पैसा खर्च तमिलनाडु की पॉपुलेशन के ऊपर होना चाहिए नॉट ऑल दी मनी बट मेजोरिटी ऑफ दी मनी इफ इन मेडिकल कॉलेज ऑफ तमिलनाडु इफ आउटसाइडर स्टेट स्टूडेंट्स आर पैसा खर्च किसके ऊपर हो रहा है आउटसाइडर्स के ऊपर लेकिन जिनका हक है उनको वो मिल नहीं रहा मतलब तमिलनाडु के स्टूडेंट्स जो हैं तमिलनाडु के बच्चे जो हैं उनको वो हक नहीं मिल रहा जो हक उनको मिलना चाहिए था इसी के चलते तमिलनाडु गवर्नमेंट नीट बिल लेके आई है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नीट बिल पास तो हो गया तमिलनाडु से लेजिस्लेटिव असेंबली से लेकिन गवर्नर ने इस पर साइन नहीं किया गवर्नर ने बोला बिकॉज दिस इज ऑफ होता क्या है गवर्नर तीन चीजें कर सकता है जब भी उसके पास बिल आता है या तो वो बिल को पास कर दे साइन कर दे असेंट दे दे या तो वो बिल को फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेज दे कि भाई आप थोड़े से इसमें चेंजेस करो रिकमेंडेशन के साथ और वापस भेज दो हम साइन कर देंगे या तो ये होता है गवर्नर गवर्नर बोल देता है कि ये पावर जो है ये बिल जो है ये मेरी समझ के बाहर है या मेरी पावर के बाहर है मेरी एंबिट मेरी एंबिट के बाहर है तो मैं प्रेसिडेंट को रेफर करूंगा लेकिन व्हाट द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु इज डूइंग ही वाजंट रेफरिंग द बिल टू दी प्रेसिडेंट उसने अभी तक प्रेसिडेंट को रेफर किया ही नहीं है भाई सो तो इसी चीज को लेकर जो चीफ है तमिलनाडु के एम के स्टालिन उन्होंने यही बोला है कि हर किसी को लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए असेंबली को पावर मिल रखी है कि वो स्टेट में लॉ ला सकता है तो आप रिस्पेक्ट करो गवर्नर को रिस्पेक्ट करना चाहिए गवर्नर को वो बिल सेंड करना चाहिए टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मूविंग फॉर दो आफ्टर अल्ट ऑफ टू एंड हाफ इज फाइनली इंडिया जो है विथ एग्रीमेंट विथ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मैंगोज एक्सपोर्ट करेगा ओके okay? क्योंकि दो टू एंड हाफ से आ, इंडिया कर नहीं पा रहा था क्योंकि एक तो इंडिया की जो ट्रीटी थी वो खत्म हो गई थी बट फाइनली आपका जो न्यू एग्रीमेंट है जिसमें पॉमी ग्रेनेड भी इंक्लूडेड है है ना पौमी, पौमी के साथ साथ मैंगोज भी इंडिया जो एक्सपोर्ट करेगा टू तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मूविंग फॉर दर अच्छा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है सबसे पहली बात डायरेक्ट क्वेश्चन बन बनी सकता बट वी कैन रिफर दिस न्यूज दैट रेफरेंस ऑफ दिस न्यूज एंड 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 कंक्लूजन दट इंडिया और यूएस की रिलेशन अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथेड है इवन इंडिया ने एस फोर हंड्रेड डिफेंस सिस्टम खरीदा उसके बाद भी तो इंडिया की इंडिया की पावर या इंडिया की सॉफ्ट पावर का रिजल्ट uh, है कि इंडिया ने यू रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन रख रखे हैं और यूएस के साथ भी अच्छे रिलेशन उन्होंने मेंटेन करके रखे हुए हैं मूविंग फर्दर हमें हाँ सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है तो हम सिटी की न्यूज को एक बार में स्किप करेंगे सो मूव टू स्टेट पेज सो हुआ क्या जब हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ इज वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी इन इंडिया और वहां पर इलेक्शन होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ठीक है क्योंकि जैसे आप आप अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो वो डिपेंड करता है आपका डिस्ट्रिक्ट है कैसा बट जैसे कि भोपाल का एग्जाम्पल है इंदौर का एग्जाम्पल है मुंबई का एग्जाम्पल है सो आर दी कॉर्पोरेशन ओके और सेम गोच विद चंडीगढ़ 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 ऑल्सोपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं जैसे अगर आपने सुना होगा पार्षद को आप वोट डालने जाते हो तो पार्षद बेसिकली इज अ अ इज मेंबर ऑफ अःलेटिपल कॉर्पोरेशन ठीक है नॉट नॉट कॉर्पोरेशन का वो मेंबर होता है अगर वो जीतता है तो पार्षद ओके काउंसिलर भी बोलते तो बहुत जगह बोलते हैं सो व्हाट हैपन चंडीगढ़ में इलेक्शंस हुए और जो मेयर होता है हर सिटी का मेयर होता है जैसे लखनऊ का अपने मेयर था पहले मेयर थे दिनेश शर्मा जो अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ठीक है देन वैसे ही चंडीगढ़ के भी मेयर होते हैं यूनियन टेरिटरीज जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है पौंडीचेरी और दिल्ली को छोड़ के जितने भी जितने भी आपके यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर मेयर्स होते हैं एक्सेप्टिंग दी स्मॉल यूनियन टेरिटरीज लाइक दादरा नागर हवेली इन सबको छोड़ के क्योंकि यहां पर प्रेसिडेंट ही पूरी सही तरीके से संभालता है लक्षद्वीप हो गया ओके सो so, चंडीगढ़ में हुआ क्या चंडीगढ़ में जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए तो मेजोरिटी ऑफ दी जो है नॉट मेजोरिटी मतलब हम बोल सकते हैं कि मोर सीट आर बाय दी पार्टी कॉल्ड आप उसके बाद सेकंड नंबर पर बीजेपी आई फिर कांग्रेस थी फिर शिरोमणी अकाली दल थी लेकिन देखा जाए तो मेजोरिटी किसके पास थी नहीं बट एक कंक्लूजन पे पहुंच गए थे कि आप गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी आपका ही मेयर होगा बट वोट हैपन जब वोटिंग हुई तो होता क्या काउंसिलर जितने भी इलेक्ट होकर आते हैं वो वोट डालते हैं और अपना मेयर चूज करते हैं जो भी उनका मेयर होता है हर पार्टी अपना एक कैंडिडेट अपॉइंट करती है और बाय द इलेक्शन तो मेयर बेसिकली इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना कि प्रेसिडेंट कैसे चूज होता है या प्राइम मिनिस्टर कैसे चूज होता है एमपीज का इलेक्शन होता है एमपी पब्लिक एमपीज को वोट डालती है एमपी जीत गए फिर एमपीज वोट जिस पर्सन को अपना लीडर चूज करेंगे वो उनका प्राइम मिनिस्टर होगा सेम गोज़ विद मेयर ऑफ द चांदीगढ़ के काउंसिलर्स इलेक्ट हो के आए काउंसिलर्स विद द अपने मेयर को चूज करेंगे जो लीडर होगा वो मेयर कहलाएगा सो so, हुआ क्या जो वोटिंग हुई तो वोटिंग में कांग्रेस एब्सेंट होगी एंड आपका शिरोमणि अकाली दल एब्सेंट हो गया जिससे टोटल वोट्स 1414 पड़े आपके भी पड़े और बीजेपी बीजेपी के भी पड़े और आपका एक वोट बेसिकली इनवैलिड डिक्लेयर हो गया जिसके चलते बीजेपी इलेक्शन जीत गई एंड चंडीगढ़ की सिविक बॉडी में म्यूनिस्पल कॉर्पोरेशन में बीजेपी के जो काउंसिलर हैं सरवजीत कौर इलेक्टेड एज ए मेयर सो दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स ऐसे जीतते हैं मूविंग फॉर दो फाइनली टू में जब राजस्थान ने राजस्थान में इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम लोग अकाउंटेबिलिटी लॉ लेके आएंगे और जब अकाउंटेबिलिटी लॉ का जो मतलब है वो समझेंगे होता क्या है फाइनली जो सिविल राइट्स ग्रुप है इन दी स्टेट ऑफ राजस्थान वो वो बेसिकली वो बेसिकली पुश कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं टू दी गवर्नमेंट कि आपके जो मेनिफेस्टो में लिखा था अकाउंटेबिलिटी लॉ आप उसको लेके आए हैं so सो फाइनली राजस्थान ने उसका बिल ड्राफ्ट कर लिया है और अकाउंटेबिलिटी लॉ की हम बात करें तो अकाउंटेबिलिटी लॉ का सिंपल सा मतलब है कि हर डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी हो टू दी इन दी गवर्नेंस टू दिटिजेंस

अब इसलिए आता है क्योंकि आप पब्लिक को इन्फ्लुएंस ना कर सको है ना आप मॉडल आप इलेक्शन डेट के पहले पहले अनाउंस कर सकते हो कि मैं ये चीज जैसे अभी मोदी जी थे तो मोदी जी बहुत सारे स्टेट्स में जा रहे थे और प्रोजेक्ट ओपन कर रहे थे झांसी में आए आपका वाराणसी में गए आपके बहुत सारे जगह पे गए आपके नोएडा में गए जहां पर उन्होंने वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट उन्होंने बनाने की उन्होंने उन्होंने बनाने का इनोग्रेशन किया सो so, अब ये चीजें नहीं हो पाएंगी अब अब नए प्रोजेक्ट्स लेके नहीं आ सकते अब वो इसलिए है कि आप पब्लिक को एट द लास्ट मोमेंट इन्फ्लुएंस ना कर पाओ टू वोट इन योर कैंडिडेट टू वोट फॉर योर पार्टी कैंडिडेट मूविंग फॉर सो आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द डेट्स ऑफ इलेक्शन इन दंजाब पंजाब पंजाब गवर्नमेंट ने वहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को चेंज कर दिया तो वारवा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डीजीपी ऑफ पंजाब मूविंग सो श्रीलंका ने जब एनालिसिस किया अपनी इकोनॉमी का तो एक सेक्टर होता है टूरिज्म सेक्टर इससे ये पता लगाया था भाई टूरिज्म सेक्टर ग्रोथ किया कि नहीं किया तो बताया गया कि जो टूरिज्म सेक्टर की हम बात करें श्रीलंका तो में तो पूरी पैंडेमिक इट्स एस्टिमेटेड अबाउट ऑफ फोर बिलियन डॉलर बट वो ट्वेंटी में ड्रॉप हो गया कितने से सिक्स मिलियन डॉलर तक ठीक है लेकिन इन दर ऑफ ट्वेंटी सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री के टूरिस्ट आए हैं श्रीलंका में तो वो इंडिया क्या है तो इंडिया टॉप्स दी श्रीलंकन टूरिस्ट लिस्ट अब इंडिया की हम बात करें तो तो इंडिया के लिए श्रीलंका प्रोमिनेंस रखता है एक तो, आ, कल्चरली रखता है बिकॉज ऑफ दी रामायण क्योंकि रावण ऐसा ऐसा बोला जाता है रामायण में कि रावण जो है वो श्रीलंका के आ, राजा थे ठीक है तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है वहां बहुत ज्यादा मंदिर हैं मंदिर है हिंदुइज्म के लिए बहुत ज्यादा बेसिकली बहुत ज्यादा वो साइट्स है वहां पर बुद्धिज्म के लिए है एंड वहां के जो बीचेस हैं बीचेस भी आपके जो अट्रैक्ट करते हैं इंडिया इंडियन पॉपुलेशन को सदन बीच श्रीलंका के एंड वन मोर थिंग वेडिंग जो होती है डेस्टिनेशन वेडिंग भी बहुत ज्यादा श्रीलंका में की जाती है मूविंग फॉर सो न्यूज फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर सो व्हाट हैपन सो गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान एरोनोटिकल्स लिमिटेड को एक प्रोजेक्ट दिया था कि आप अराउंड 10 लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट एम के वन ए बनाएंगे एंड कल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड uh, ने बोल दिया है कि लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट जो आपने हमें बोला था बनाने के लिए आपने जो हमें टेंडर दिया था बनाने के लिए वो हम लोग बाई द एंड ऑफ ईयर या इन द अर्ली 2023 सारे के सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर देंगे मूविंग सो बिफोर इलेक्शन इन दी अभी अभी टाइम है है इलेक्शन को बीजेडी ने कुछ इंसेंटिव आंगनवाड़ी वर्कर्स तो पहले आंगनवाड़ी वर्कर्स अगर रिटायर होती थी तो उनको ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का इंसेंटिव मिलता था जैसे रिटायरमेंट पे होता था रिटायरमेंट पे मिलता था लेकिन अब बीजेडी ने बोल दिया कि इट विल इंक्रीज फ्रॉम ट्वेंटी थाउजेंड टू तो फोर्टी थाउजेंड एंड फॉर दी आंगनबाड़ी असिस्टेंट इनको जिनको पहले फिफ्टीन थाउजेंड मिलता था

तो जो पॉजिटिविटी रेट है वो 9.28 है सो वैक्सीन मेकर्स जो से भारत बायोटेक उनका यही कहना है कि आप सिर्फ बच्चों को को वैक्सीन दीजिए मतलब एज ऑफ टू उनको सिर्फ को वैक्सीन दीजिए तो ने उसी को ऑथराइज किया है और किसी वैक्सीन को उन्होंने अप्रूवल दी नहीं तो आप नहीं दे सकते आप सिर्फ कोवैक्सीन ही एडमिस्टर टू दी स्टूडेंट्स ऑफ टू दी टू दी पॉपुलेशन ऑफ या एज ग्रुप ऑफ 15 to 18. Moving further, so Assam ने Assam government ने एक बहुत अच्छा step लिया. उन्होंने Assam Tiger Reserve का जो expansion था, जिन 1950s कम हो गया था, उसको फिर से extend कर दिया. जिससे 200 square kilometer जो है, अब Assam Tiger Reserve में आ जाएगा. And अब Assam Tiger Reserve के आ, Assam Tiger Reserve के extension से जो घड़ियाल्स हैं, ठीक है बोल सकते हैं नियरली एक्सटेंट एनिमल जो है वो अब नेशनल पार्क के एम्बिट में आएंगे औरें, औरें, नेशनल पार्क जो है अब टाइगर रिजर्व में आ चुका है अब टाइगर रिजर्व में आ चुका है तो उनका जो देखा जाए तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो तीन गुना बढ़ जाएगी है ना और इसमें डॉल्फिन्स और टर्टल्स भी इंक्लूडेड है फ्रॉम दर्ल्ड न्यूज मालदीव ने चाइना के साथ कुछ डील साइन करी है एंड मेजोरिटी ऑफ द डील्स आर फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर बट वन ऑफ द मेन डील जो चाइना ने साइन करी है मालदीव के साथ वो ये है कि उन्होंने बोल दिया है कि फ्री वीजा होगा फॉर द दालदीवियंस अगर वो चाइना विजिट करते हैं उसके लिए वीजा विजा वीजा एग्जेपन दे दिया उन्होंने मूविंग फ्रॉम दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो नथिंग इम्पोर्टेंट यूज सो वी मूव टू दी एफ सो एफ्यू में एक एक चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज अबाउट दी वुमेन को लेकर जो अभी रिसेंटली आपका इंसिडेंट हुआ था बोली बाई एप को लेकर उससे रिलेटेड है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट से हो जाता है क्योंकि इसमें प्रोविजन दी है सो सम राइट डाउन सम प्रोविजन जिससे पता लगे कि साइबर क्राइम से रिलेटेड प्रोविजन क्या है आईपीसी में क्या प्रोविजन है अगर आप वुमेन की मॉडेस्टी के साथ आ, उन, उनकी मॉडेस्टी को हार्म करते हो या उनको मेंटली हरासमेंट मेंटली हरास करते हो और इस पॉइंट में यह बताया गया इस पैराग्राफ में यह बताया गया कि अभी जो आईटी डिपार्टमेंट ने या मिनिस्ट्री ने जो रूल्स पब्लिश किए थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया रूल्स रूल उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिससे हम लोग जो बोली बाए वाला जो इंसिडेंट हुआ उसको हम रोक सकें रीड इट एंड राइट इट डाउन स्पेशन सिक्सटी 67, सेक्शन 500 हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड नाइन और वन फिफ्टी थ्री ए इन चार सेक्शन को जरूर लिखना सो so, आज के लिए इतना ही था इकोनॉमिक न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज सो दिस इज एनालिसिस ऑफ टूडेस न्यूज पेपर हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज एम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स तब तक लिए बाय बाय है